कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू के बाद अब झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के ऐलान के बाद बाजारों में जरूरी सामान के लिए भीड़ देखा जा सकता है। खासकर सब्जी बाजार में भीड़ देखी जा सकती है। धनबाद के हीरापुर बाजार में आलू प्याज सहित जरूरी सामान लेने के लिए लोग निकले हैं। वहीं लोगों का कहना है कि खाने पीने की सामानें महंगा हो गई है। हम लोग काफी परेशानी का झेलना पड़ रहा है, देख रहे हैं बाजारों में काफी भीड़ है, हम लोग को रोड पूरा जाम है, जैसे कि देख रहे हैं सभी लोग थोड़े थोड़े करके सामान लेके जा रहे हैं, सभी लोगों से ये भी यह देखा जा रहा है बाजार में काफी भीड़ लग रहे हैं, सामानों की दामों में वृद्धि हो रही है, कई लोग आलू प्याज के लिए बहुत लाइन लगाने पड़ रही है, फिलहाल महंगा भी मिल रहा है कई दुकानों में, तो रेट जो रेट में मिलना चाहिए उस रेट से और ज्यादा रेट में मिल रही है सामान। वहीं धनबाद के सटे भूली में भी आप खास तौर पर देख सकते हैं किस तरह आलू और प्याज की कालाबाजारी चल रही है। यहाँ के लोगों ने भी कालाबाजारी का विरोध किया। ला करके बोरा के बोरा बेच रहे हैं कि आज सभी गाड़ियां बंद है, अब नहीं मिलने वाला है आलू। जिसको 5 किलो खपत है वह पूरा दो दो बोरा लेकर के चल गए। बाकी आम आदमी को चूंकि लोग भी नहीं खुदरा बेच रहा है, इसलिए अब यहाँ कालाबाजारी हो रहा है। पहले 800 से शुरू किया, अब 1100 रुपए बोरा दे रहा है 50 किलो आलू के दाम। यहाँ पर थाना प्रभारी को रहना चाहिए था और इसको कहीं कभी तो और चीज में अफवाह फैलाया जा रहा है कि कोई गाड़ी नहीं आएगी, कोई सब्जी नहीं आएगी और आदमी मारामारी में दौड़ रहा है, जबकि यहाँ पर पुलिस को खड़ा होकर के देखना चाहिए था और 5-5 किलो आलू सबको डिस्ट्रीब्यूट करा देता। आप लोग थाना को वही धनबाद SDO भूली पहुंचकर कालाबाजारी पर अंकुश लगाए। अब शिकायत आने के बाद हम लोगों ने आज हीरापुर बाजार, बरवड्डा, बरटार, भूली वहां पे मेरे द्वारा भ्रमण किया गया और आगे भी अन्य स्थानों पे जैसे पुराना बाजार से शिकायत आ रही है, स्टील गेट से शिकायत आ रही है, हम लोग अभी जाएंगे और वहां पे देखेंगे अगर रिटेलर के द्वारा अधिक भाव में बेचा जा रहा है उस पर आवश्यक कार्रवाई करवाई जाएगी और निश्चित प्राइस पर कंट्रोल किया जाएगा। और लोगों के माध्यम को हम आपको कहना चाहेंगे कि किसी भी सामान की किल्लत नहीं है, लोग आराम से सामान को खरीदें, जितनी आवश्यकता हो उतनी उतना ही खरीदें।